Hello, good evening guys. This is Nana and you are watching my coding journey. So today is 18th of January and I have completed 3 months with Sharpener. So I will share my whole experience of 3 months and let's start with the video. Okay, so first of all I will tell you what I have done till now. Okay, this is my dashboard of Sharpener. ठीक है, तो इसमें DSA वाला ये सारा पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है. ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर दिया है. मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो उसमें डोम मैनिपुलेशंस, एडवांस जावास्क्रिप्ट, और इसमें मेरे DSA के 2 टेस्ट भी हुए. एक टेस्ट इसमें शो नहीं हो रहा, बट इसमें 2 टेस्ट हैं DSA के, 3 आर टेस्ट जो हमें 3 आर्स में कम्प्लीट करना होता है, और ऐसे ही 2-3 आर्स के जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट भी हैं. ठीक है, ये भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं विच आई हैव कम्प्लीटेड. और इसमें लाइक काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं सारे डोम मैनिपुलेशंस के, और ये सारा जितना भी जावास्क्रिप्ट हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होता है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट और ES6 मॉड्यूल्स और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं जिसको, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हुई हैं मेरी. ठीक है, तो मेरा डेमो एंड मॉक इंटरव्यू आज ही कंप्लीट हो चुका है सुबह, और आई विल नाउ फॉरवर्ड विद द बैक एंड और फ्रंट एंड विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अभी तक नहीं सेलेक्ट किया मैंने. ये मैं आज या कल में सेलेक्ट कर लूँगी एंड आई विल गिव यू प्रॉपर रीजन फॉर दैट वट आई हैव सेलेक्टेड. एंड ठीक है, दीज ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल. ओके, सो आई विल डिस्कस अ लिटल बिट मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस. देखो, वेब डेवलपमेंट मेनली जो चीज़ें कवर हुई हैं वो HTML है, ठीक है, CSS है, बेसिक्स ऑफ CSS, HTML एंड JavaScript. मेनली ये था वेब डेवलपमेंट में, इसके बेसिक्स और एडवांस JavaScript और ये सब चीज़ें ही थी. तो आई विल डिस्कस दैट वट आर माई थॉट्स अबाउट JavaScript. ठीक है, JavaScript इज लाइक वेरी लेंदी लैंग्वेज, लाइक इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं और एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक भी टॉपिक स्किप कर दोगे और आप उसको थोरली समझोगे नहीं कि उसके पीछे लाइक बैकएंड में क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं, तो फिर आपको आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज आगे फिर उसी चीज़ का यूज़ होता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमने लाइक क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू कि शायद आपको लेंदी लगेगा JS, क्योंकि बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एक बार अगर आपने उसको थोरली समझ लिया ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. और अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो फिर वो बहुत बोरिंग और बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है एक पॉइंट पे आके, कि यार नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग से जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सबको ये मत सोचना कि यार ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, स्किप कर देते हैं. तो सारे क्लियर करके चलना, क्योंकि आगे फिर एक एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डीप में समझना इंपॉर्टेंट है कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और वो अगर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है. तो ये सब चीज़ें अच्छे से इन डिटेल जावास्क्रिप्ट का करके चलना. और यूट्यूब पे अक्षय सैनी का कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा डीपली जितने भी टॉपिक्स उसने करवाया, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल हर चीज़ उसमें कवर अप है, ठीक है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलमोस्ट उसमें कवर अप है, और उसका बेसिकली द बेस्ट JS कोर्स ऑन द यूट्यूब आई गेस. ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से अक्षय सैनी की वीडियो थोरोली कवर कर ली विद उसकी एक एक लाइन, अगर आपने अच्छे से समझ ली कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको शुरू से जावास्क्रिप्ट बहुत क्लियर रहेगी. और जावास्क्रिप्ट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ नहीं आता आगे कि वो क्या चीज़ कैसे काम कर रही है करके. ठीक है, तो थोड़ा सा थोरोली आई विल सजेस्ट थोड़ा सा थोरोली जावास्क्रिप्ट करना, और साथ साथ रिवाइज करते जाना पीछे वाले टॉपिक. बेसिकली हम भूलने लग जाते हैं, जैसे हम एडवांस जावास्क्रिप्ट या ES6 करने लगते हैं ना, तो हम पीछे वाले टॉपिक्स भूलने लग जाते हैं. तो वो आप थोरली मतलब साथ साथ ना रिवाइज करते जाना, तो मतलब सही रहेगा आगे के लिए भी, क्योंकि आगे मॉक टेस्ट होते हैं, डेमो होता है, तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज होती हैं. तो रिवाइज दैट, ठीक है, साथ साथ. और आफ्टर डूइंग द जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, आई विल सजेस्ट के साथ साथ अपना सर्च करना, ठीक है, बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस, JS इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, ये काफ़ी सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, एंड उसमें से कुछ कुछ चीज़ें साथ साथ देखते रहना, JS के इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो थोड़े साथ साथ पढ़ते रहना, तो एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपको मॉक देने में और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये आई विल सजेस्ट कि साथ साथ थोड़ा सा देखते रहना JS इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो मेनली मतलब वेब डेवलपमेंट JS, अगर आप बैकएंड में जाओगे तो भी, और फ्रंट एंड में JS तो इंपॉर्टेंट है ही, तो JS के इंटरव्यू क्वेश्चंस को अच्छे से थोरली साथ साथ पढ़ते जाना थोड़े बहुत. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आई हैव लर्नड दिस मंथ. ठीक है, तो मोस्टली इस मंथ में मैंने मोस्टली जावास्क्रिप्ट ही कवर किया. ठीक है, तो द थिंग विच आई फेस्ड इन द मॉक इंटरव्यूज, कि मेरे को टॉपिक्स क्लियर थे, जावास्क्रिप्ट मैंने अच्छे से करे भी थे, उन्हें रिवाइज भी किया था, बट ना क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हो टॉपिक्स में, तो मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज में, मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी फ्रेंकली स्पीकिंग. आई डोंट नो वाई, मतलब मेरे को लग रहा कि मैं बाकी जो मेरे पहले इंटरव्यूज हुए, इस वाले इंटरव्यू में मैं काफ़ी नर्वस फील कर रही थी.
ठीक है, और मेरा मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि मेरे को जो चीज़ आती भी थी ना, वो भी मैं अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. मेरे माइंड में वो चाहे क्लियर थी, बट मैं इनको इन वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई मॉक इंटरव्यू में अच्छे से. ठीक है, तो इस मॉक इंटरव्यू में मेरे को सच में बहुत कुछ लाइक अपने अंदर सीखने को मिला कि यहाँ यहाँ चीज़ें मैं गलत जा रही हूँ और दिस थिंग्स आई हैव टू इम्प्रूव. डेमो में भी, मॉक इंटरव्यू में भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को चाहे JS का आता था चीज़ें, बट आई डोंट नो वाई उस चीज़ को मैं वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई अच्छे से. और तभी मैंने आपको बताया कि आप JS के इंटरव्यू क्वेश्चंस को साथ साथ थोड़ा बहुत रीड करते रहो, या अपने हिसाब से अपने नोटबुक पे अपने आंसर्स लिख लो और उसी को बार 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 रिवाइज करो. आप जितना रिवाइज करो आप उतने अच्छे से उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको आता भी होगा ना तब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो इंटरव्यू को यही लगेगा कि यार नहीं आता है इसको, तो वह वो वाली चीज़ हो जाएंगी थोड़ी सी. तो मतलब जो चीज़ आपको आती है वो आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी भी आनी चाहिए. हम जब पढ़ते हैं ना हमें समझ में सब आ जाता है, ठीक है, हमें लगता है कि हमारा हो गया, बट हम जब उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने लगता है ना वो हमारे से कई बार नहीं होता है. ठीक है, तो आप उसको एक बार अपने हिसाब से उस हिसाब से रिवाइज करना कि अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि हम उसको क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे. और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करो. अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल लेट वॉर एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये मोस्टली जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में आता है, ये लेट वॉर एंड कॉन्स्ट डिफरेंस और ये सब चीज़ें. आपको अगर ये आती भी है ना तो आप ऑलरेडी आपको आती होंगी, आप जब टॉपिक करोगे आपको समझ सब आ जाएगा. लेकिन जब आप एक्सप्लेन करो ना उसको इंटरव्यूज में, तो आई विल सजेस्ट के साथ में एग्जाम्पल उनको पूछो दैट आई विल शेयर माई स्क्रीन, आई विल लेट यू नो विद द एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे ना तो फिर वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और एक लगेगा कि या आपको आता है चीज़ें और आपको अच्छे से क्लैरिटी है, एक थॉट कि आपका क्लियर है थॉट इस टॉपिक से रिलेटेड. तो वो चीज़ एक अच्छी थी. ये चीज़ मैंने नहीं की और मुझे उसके बाद इंटरव्यू के बाद समझ में आई कि शायद मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो मैं शायद और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती. बट आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम रिवाइजिंग अगेन जावास्क्रिप्ट एंड आई विल लेट यू नो कि आगे वाले आने वाले टाइम में मैंने फ्रंट एंड या बैक एंड सेलेक्ट किया और क्यों किया. ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार. ठीक है, बहुत काफ़ी सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ यार कर देना यार सब्सक्राइब, बहुत मुझे अच्छा लगता है. एंड आई हैव कंप्लीटेड 200 सब्सक्राइबर्स विच मीन्स अलॉट, एंड थैंक यू एवरी वन हू हैव सब्सक्राइब लाइक और कमेंट ऑन माई वीडियोज. So have fun and happy coding. Bye bye.